For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Assalamu alaikum, I'm Doha Suhail. I'm a lecturer at Rashidi Medical College and a clinical nutritionist at R. Memorial Hospital. आज हम बात करेंगे हेल्दी वेट लॉस के हवाले से. हेल्दी वेट लॉस के हवाले से जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले मैं एक बात आपको बहुत क्लियरली यहाँ बताना चाहूंगी कि जब भी आप वेट लॉस की तरफ आए तो कभी भी फैट डाइट्स को फॉलो मत करें, जिसमें कीटो डाइट आ जाती है, पैलो डाइट है, एटकिंस डाइट है, क्योंकि ये ऐसी डाइट्स है जो बहुत जल्दी आपको अच्छे रिजल्ट्स देती है, पेशेंट को मोटिवेट करती है कि वेट लॉस किया जाए, लेकिन जितने जल्दी आपको गुड रिजल्ट्स देती है उतनी जल्दी आपको बॉडी में दीकर जो क्रॉनिक डिसऑर्डर्स है उनके रिस्क को बढ़ा देती है, जिसमें सबसे पहले डायबिटीज का मसला, उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती का मसला, उसके अलावा अर्थराइटिस का मसला, जोड़ों की डिफरेंट बीमारियां इन डाइट्स को फॉलो करने से पेशेंट्स में नजर आती है. तो अगर आप हेल्दी वेट लॉस करना चाहते हैं तो सबसे पहले बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें. इसके अलावा अपने लाइफ स्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी को यकीनी बनाएं. फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ स्लीप, हेल्दी स्लीप, रात को 6 से 8 घंटे की जो स्लीप है उसको अपनी लाइफ स्टाइल में जरूर शामिल करें. ये 3 चीजें जब आप लाइफ स्टाइल में आप ले आएंगे तो आपका वजन जो है वो हेल्दी वे में लूज की तरफ आएगा. फैट डाइट को अपने वेट लॉस के लिए बिल्कुल भी ऑप्ट ना करें. अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें. इसके अलावा आज यहाँ मैं कुछ ऐसी चीजें, न्यूट्रिएंट्स, ऐसे कुछ सब्सटेंसेस डिस्कस करना चाहूंगी जो एब्डोमिनल फैट के पेशेंट्स के लिए वो बहुत बेहतरीन है और ओवरऑल वेट मास, यानी कि आपको जो फैट मास आपके अंदर ज्यादा हो रहा हो तो उसको कम करने में बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं. उसमें सबसे पहले नारियल का पानी आ जाता है, बिल्कुल जिसको हम कोकोनट वाटर कहते हैं. नारियल के पानी में हमारे पास कुछ ऐसे एंजाइम्स मौजूद होते हैं, लॉरिक एसिड मौजूद होते हैं, जो हमारे निजाम हजम को, हमारे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को बूस्टअप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं. ओबीस लोगों में, ओवरवेट लोगों में, जिन लोगों में वजन ज्यादा हो चुका होता है, उन लोगों में निजाम हजम बहुत ज्यादा स्लो हो रहा होता है, उनका प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो कैलोरीज है वो बर्न अप नहीं हो रही होती. तो उन पेशेंट्स में सबसे पहला गोल ये होता है कि उनके निजाम हजम को बूस्टअप किया जाए, ताकि जो भी चीज वो कंज्यूम कर रहे हैं उनकी बॉडी उसको हेल्दी वे में एक्सपैंड आउट कर दी जाए. तो नारियल का पानी उन पेशेंट्स के लिए बहुत मुफीद है. इसके अलावा नारियल के पानी में हमारे पास पोटेशियम की ज्यादा मिकदार होती है, जो हमारे बॉडी में से इजाफी नमक को बैलेंस आउट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है. बहुत से लोगों में आपने देखा होगा कि एडिमा का मसला ज्यादा होता है, यानी कि जिस्म में पानी जमा होना शुरू हो जाता है. जितना आपके जिस्म में पानी जमा होगा, जितना पानी एडअप होगा, उतना आपका वजन बढ़ता जाएगा. तो कोकोनट वाटर ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनमें वेट गेन का मसला वाटर रिटेंशन की वजह से आ रहा होता है. तो कोशिश ये करें कि अपने कंसल्टेंट की हिदायत के मुताबिक, उसके रिकमेंडेशन के मुताबिक कोकोनट वाटर का इस्तेमाल जरूर करें. कोकोनट वाटर के अलावा ब्लैक पेपर बहुत बेहतरीन चीज है उन लोगों के लिए जिनका वजन एबनॉर्मली बढ़ रहा होता है, क्योंकि ब्लैक पेपर में हमारे पास पाइपरिन मौजूद होते हैं. पाइपरिन का इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है कि वो हमारी बॉडी में फैट सेल्स की प्रोडक्शन को रोकता है. ओबीस लोगों में फैट सेल्स प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही होती है, क्योंकि जैसे जैसे वो एक्सेसिव कैलोरीज कंज्यूम कर रहे होते हैं, उनकी बॉडी के जो फैट सेल्स हैं वो अपने साइज में बढ़ते चले जाते हैं, और जब एक फैट सेल अपने साइज की लिमिट तक पहुंच जाते हैं तो वहां जाके वो रिप्रोड्यूस कर देते हैं. एक सेल से फर्दर ऑन सेल्स बन रहे होते हैं. जितने ज्यादा फैट सेल्स बनते जाएंगे उतना फैटी मास ज्यादा होता जाएगा और वजन जो है वो एबनॉर्मल रेंजेस में ओवर की तरफ आता जाएगा. तो कोशिश ये करें कि काली मिर्च को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें. आप बेशक सुबह नाश्ते के वक्त उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एग के साथ कंज्यूम कर सकते हैं, सैलड पे स्प्रिंकल कर सकते हैं, डिफरेंट आपकी जो सेवरीज हैं, जो आपके सालन हैं, ग्रेवीज हैं, उसके अंदर एज ए सीजनिंग एजेंट के तौर पर आप काली मिर्च को इस्तेमाल कर सकते हैं. काली मिर्च के अलावा ग्रीन टी में हमारे पास एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड्स भी होते हैं, कैटेजेंस भी होते हैं, जो वजन को लूज करने में, हेल्दी रेंजेस में लाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं. लेकिन ग्रीन टी का इस्तेमाल अपनी डाइट में इतना ज्यादा ना रखें, सिर्फ 1 से 2 कप आप शुरू में इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा ग्रीन टी इस्तेमाल करने से बॉडी डिहाइड्रेशन की तरफ जा सकती है. बहुत ज्यादा आप ग्रीन टी लेंगे, पानी आपकी बॉडी में से इजाफी जो है वो खारिज होता जाएगा और आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती जाएगी, और जब बॉडी डिहाइड्रेटेड होगी तो आप ना मेंटली अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे, ना फिजिकली अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे. तो अगर ग्रीन टी इस्तेमाल करें तो कोशिश ये करें कि 1 से 2 कप से स्टार्ट करें, इससे ज्यादा कप्स ना कंज्यूम करें. ग्रीन टी के अलावा टर्मेरिक, जिसको हम हल्दी कहते हैं, हल्दी हमारी बॉडी में बाइल के प्रोडक्शन को बढ़ाती है. बाइल हमारी बॉडी के अंदर फैट की मल्टीप्लिकेशन के लिए, फैट की एब्जॉर्प्शन के लिए, उसकी मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो कोशिश ये करें कि अपनी डाइट में टर्मेरिक का इस्तेमाल करें, हल्दी का इस्तेमाल करें. बेशक रात सोने से पहले
एक ग्लास दूध के अंदर आप हाफ टी स्पून या इवन क्वार्टर टी स्पून से आप स्टार्ट कर सकते हैं हल्दी को, और आप उसको अपनी डाइट में सोने से पहले एक ग्लास दूध में जरूर कंज्यूम करें, या अगर सोने से पहले आप कंज्यूम नहीं करें तो सुबह बेशक आप उसको पानी के साथ भी कंज्यूम कर सकते हैं। हल्दी के अलावा अपनी डाइट में कैरेट जूस का इस्तेमाल करें, क्योंकि कैरेट जूस हमारे लिए बहुत बेहतरीन है उन पेशेंट्स के लिए जिनको एब्डोमिनल फैट का मसला बहुत ज्यादा रह रहा होता है। तो अगर वो गाजर के जूस का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए बहुत बेहतरीन है, लेकिन कोशिश ये करें कि उसके अंदर खुद से इजाफी शुगर, व्हाइट शुगर ऐड ना करें, क्योंकि जितनी आप उसमें चीनी ऐड करेंगे उसके टेस्ट को बेहतर बनाने के लिए उतना आपका वजन फिर बढ़ने की तरफ आएगा। तो कोशिश ये करें कि अगर उसके टेस्ट को बेहतर बनाना है तो उसमें आप बेशक ऑरेंज ऐड कर सकते हैं, अगर ऑरेंज अवेलेबल नहीं है तो आप उसके साथ एप्पल ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा लीमू को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें, लेकिन कोशिश ये करें कि हाफ लीमू से स्टार्ट करें, एकदम वन लेमन के ऊपर ना जाएं। हाफ लेमन आप अगर अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं, बेशक उसको पानी में ऐड करके इस्तेमाल करते हैं, सैलड के ऊपर स्प्रिंकल करके इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि लेमन की एक प्रॉपर्टी है कि वो थर्मोजेनेसिटी को बढ़ाता है। बॉडी में जो इजाफी फैट हो रहा होता है उसको बर्न आउट करने में एज अ फैट बर्नर रोल प्ले कर रहा होता है, तो अगर आप लेमन कंज्यूम करते हैं तो उसके थ्रू भी आप इससे फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा कुकम्बर, खीरे का इस्तेमाल मैं लंच के टाइम पर पेशेंट्स को जरूर रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि अगर आप खाना खाने से हाफ एन आवर बिफोर लंच आप कोई भी सैलड कंज्यूम कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स भी चले जाते हैं, आपको फाइबर भी प्रोवाइड होते हैं। फाइबर के इंपॉर्टेंट रोल ये होते हैं कि वो हमें सेटाइटी प्रोवाइड करते हैं। सेटाइटी से मुराद ये कि हमारी भूख को सुप्रेस करते हैं। तो ओवरवेट पेशेंट्स में हमारा एक गोल ये होता है कि हमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा देने और कैलोरीज कम देनी है। तो जब आप सैलड उनको लंच से पहले देंगे तो बॉडी न्यूट्रिएंट्स से भरपूर हो जाएगी, जिसकी वजह से वो इजाफी कैलोरीज जो है वो कंज्यूम नहीं कर सकेंगे। तो लंच से पहले कोशिश ये करें कि वन कुकम्बर, एक खीरा अपने उसके पील के साथ, उसके छिलके के साथ जरूर कंज्यूम करें। उसके साथ आप बेशक ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हैं, उसके साथ आप लेमन ऐड कर सकते हैं ताकि उसकी प्रॉपर्टीज और बेहतर होती जाए। इसके अलावा कोशिश ये करें कि उन चीजों को अवॉइड करें जो वजन को गेन कर रही होती है। बहुत से पेशेंट्स के खाने पीने के टाइम बहुत खराब होते हैं, उनसे पूछा जाता है कि आप नाश्ता ले रहे हैं तो आगे से उनका रिप्लाई बिल्कुल यही आता है कि जी हम कंज्यूम करें, लेकिन जब वक्त पूछा जाता है तो वक्त होता है 12-1 बजे दोपहर का वक्त। ये बिल्कुल हेल्दी वक्त नहीं है। आपका नाश्ता जो है वो सुबह 7 से 8 बजे के दरमियान में हो जाना चाहिए, और नाश्ते में कोशिश ये करें कि ऐसे आटे की रोटी कंज्यूम करें, ऐसी ब्रेड कंज्यूम करें जिसमें उसका चोकर, उसका फाइबर, उसका ब्रान एड अप होना चाहिए। बहुत से लोग रिफाइंड आटा कंज्यूम कर रहे होते हैं जिसमें आपका सफेद आटा आ जाता है, जो मैदे वाला आटा होता है, जो कि बिल्कुल हेल्दी नहीं है। और सफेद डबल रोटी की जगह ब्रान ब्रेड इस्तेमाल करें जिसपे उसका चोकर फाइबर आपको लगा हुआ नजर आए। सफेद चीनी से परहेज करें। सफेद चीनी के अलावा आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चीनी का इस्तेमाल थोड़ा सा अपनी डाइट में खत्म कर दें, क्योंकि चीनी जो है वो आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ लेकर जाती है बॉडी को, और वजन की ज्यादती के जो मसाइल हैं वो चीनी की ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से नजर आ रहे होते हैं। इसके अलावा जो कोला ड्रिंक्स हैं, बहुत से लोग दूध सोडा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दूध में वो सोडा ड्रिंक्स ऐड ऑन कर रहे होते हैं, जो कि हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है। कोशिश ये करें कि इनसे अवॉइड करें, और ऐसे दूध का इस्तेमाल करें जिसमें से उसकी बलाई रिमूव हो, जो स्किम हो, जो लो फैट हो। बहुत से लोग लो फैट मिल्क मार्केट से कंज्यूम नहीं कर रहे होते, मार्केट से बाय नहीं कर रहे होते, तो बेशक अपने घर में जो फ्रेश मिल्क आ रहा है उसको 2 दफा बॉयल दें, और दोनों दफा उसकी स्कम को, क्रीम को रिमूव करके कंज्यूम करें, तो वो आपके पास एक लो फैट मिल्क अवेलेबल हो जाएगा। और उसी मिल्क का योगर्ट बनाएं, उसी से आप बेशक कॉटेज चीज बना सकते हैं, और उसी मिल्क को आप अपनी चाय बनाने में, शेक बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उसको लो फैट करके इस्तेमाल करें। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी में बहुत से लोग आजकल जिस तरह से कोरोना वायरस आ रहा चल रहा है तो लोग बाहर आना जाना अवॉइड करें, तो बेशक अपने घर में आप लोग सीढ़ियां ऊपर नीचे उतर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव एक्सरसाइजेस ना करें कि जिसमें आप पहले दिन तो पेशेंट्स बहुत उसको एंजॉयमेंट के साथ कर रहे होते हैं कि बहुत ज्यादा 10 से 15 मिनट या उससे ज्यादा की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत स्मॉल टाइम से शुरू करें ताकि बॉडी में क्रैम्पिंग का मसला बिल्कुल ना आ सके। तो इन सब चीजों को अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करें ताकि हेल्दी वे में आप वेट लूज करते जाएं और अनहेल्दी जो वेट लॉस प्रैक्टिसेस हैं उनको अवॉइड करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।